ना जो क्वेश्चन हमने बुक में छोड़ दिए थे नोटबुक में करने के लिए उनको हम नोटबुक में करेंगे. क्वेश्चन वन, द बाइसिकल वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1791. द कार वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1885. हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द बाइसिकल वॉज द कार इन्वेंटेड. कि जो बाइसिकल थी उसका इन्वेंशन, मतलब सबसे पहले जो बाइसिकल बनी वो 1791 में बनी, और जो सबसे पहली कार बनी वो 1885 में बनी. तो हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द बाइसिकल वॉज द कार इन्वेंटेड. तो साइकिल इन्वेंटेड होने के बाद कितने साल के बाद कार का इन्वेंशन हुआ. ठीक है, तो क्या करेंगे, जो दोनों के ईयर्स हमें दिए हैं उनको हम, जो कार का ईयर है उसमें से साइकिल का ईयर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. द बाइसिकल वॉज इन्वेंटेड इन 1791. द कार वॉज इन्वेंटेड इन 1885. देयरफॉर नंबर of years after the bicycle was invented, the car invented is equal to 1885 में से 1791 को माइनस कर देंगे. तो यहाँ पर करते हैं, मैं जो ये वर्किंग करती हूँ, कई बच्चे करते नहीं हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग तरीका है काम करने का. फाइव माइनस वन फोर, कैरी 18, 18 माइनस 9, 9, एंड 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0. तो कितने ईयर्स, 94 ईयर्स. आंसर लिखेंगे, द कार वॉज इन्वेंटेड आफ्टर 94 ईयर्स द bicycle was invented. या आप इतना भी लिख सकते हैं, द कार वॉज इन्वेंटेड आफ्टर 94 ईयर्स. इसको कट कर देंगे, इसको नहीं लिखने की जरूरत है. ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन टू, वट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन 4018 एंड 3844. कि 8 की जो प्लेस वैल्यू है इन दोनों नंबर्स में, उनके बीच में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं. द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 4018 इज इक्वल टू 8, एंड द प्लेस वैल्यू of 8 in 3844 is 800 की place पे, तो इसकी place value 800. ठीक है, therefore the difference is 800 minus 8 is equal to, यहाँ पर working, माइनस 8. टेन माइनस 8 2, क्या रह गया था, 9. तो 9 7 का 7, 792. आंसर लिखेंगे, द डिफरेंस is 792
2.